दिस इज डे टू और आज हम आए हैं पैराडाइज बीच पे। पैराडाइज बीच एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूजिंग था क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि फेरी लेके आना पड़ता है, कुछ लोग बोल रहे थे कि डायरेक्ट आ सकते हैं। हम लोग तो डायरेक्ट ही आ गए, हमने फेरी वेरी कुछ ली नहीं है, लेकिन अभी सबको फेरी में बैठ के बीच समुंदर में जाना है। तो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या हम वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो गाइस, बीच पे तो आ गए लेकिन अब हमें पता चला है कि हमें जो फेरी लेनी थी वो लेनी थी 5 किलोमीटर्स मेन रोड से, लेकिन हम सीधा बीच पे ही आ गए। तो अभी हम वहाँ से फेरी लेंगे, फेरी राइड करेंगे और उसके बाद फिर से हम इधर आएंगे और इधर फिर हम नहाएंगे। एक तो इतना सन, ऊपर से इतनी गर्म रेत, ये मैडम बैठ के फोटो खिंचवा रही हैं। सो गाइस, वी हैव फाइनली स्टार्टेड द फेरी राइड एंड इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, एकदम गर्मी में एकदम सर्दी का एहसास दे रही है, मज़ा ही आ गया। सो मैं आपको दिखाता रहूँगा व्यूज, एक नंबर व्यूज। तो गाइस, आर फेरी राइड इज डन और काफी मजा आया हम लोगों को बोर होने में। मैंने बोला काफी मजा आया बोर होने में, सीरियसली बहुत लंबा था यार, लेकिन जाते-जाते हुए अच्छा था, वापस आते हुए बोर हो गए थे हम। एक्चुअली जाते जाते ना हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, लेकिन आते वक्त तो वही धूप वही गर्मी, हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब हम पैराडाइज बीच नहीं, अब हम जा रहे हैं ऑरोविल, क्योंकि किसी का मन नहीं कर रहा था बीच में नहाने का और इतनी गर्मी थी, तो हमने सोचा ऑरोविल चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, मातृ मंदिर देखेंगे और यहाँ पे भी एक बीच है वो एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी कि कैसी बीच है, कैसी जगह है ये। फिलहाल तो भैया गर्मी इतनी लग रही है ना, अगर आप यहाँ पे कभी भी आओ मेक श्योर सर्दी के टाइम पे आओ, थोड़े मॉडरेट टाइम पे, गर्मी के टाइम पे तो बिल्कुल मत आना, और आओ तो बहुत सारा सनब्लॉक लगा के आना। अभी फिलहाल चलेंगे अंदर, जाएंगे और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है ऑरोविल के कैफे में, ऑरोविल की बेकरी में स्पेशली बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो मज़ा आ जाएगा। पिक पॉकेटर लग रहा हूँ यार। अनुज, वो मेकअप सेशन भी चालू हो गया, पैसा निकालिए पैसा। मेरी बीवी आ चुकी है, घंटा आ चुके, कहाँ है तेरी बीवी? वो घूम रही है। तो हमने ना शर्त लगाई थी कि सीमा पहले आएगी या फिर हमारा खाना, सीमा गई हुई कपड़े चेंज करने, और इन्होंने कहा कि भैया खाना तो पहले आएगा नहीं, सीमा ही पहले आएगी, क्योंकि सीमा को ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं। लेकिन जीता कौन? अनुज, मैं, हम जीते हम। सो गाइस, अभी ऑरोविल में है और भैया धूप के कारण तो हालत टाइट हो गई है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं डीएम का, जैसे ही वो आ जाएगा फिर हम जाएंगे मातृ मंदिर देखेंगे, ऑरोविल बीच देखेंगे और उसके बाद घूमेंगे। हैं, डीएम कहाँ गया? पौची, पौची गया है डीएम। डीएम जैसे पौची करके आ जाएगा, हम लोग निकल करने गए। आई डोंट नो कि इस ब्लॉग में मैं करके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आई थिंक क्रिप की क्रिप ही कर रहा हूँ और कंप्लेन ही कर रहा हूँ, इतनी गर्मी इतनी गर्मी। लोग बोल रहे हैं जब इतनी गर्मी तो आया क्यों था, बुराई कर रहे हो तुम पौंडीचेरी की, पौंडीचेरी की बुराई नहीं कर रहे हम, देख रहे हो दिल्ली में मिलेगी नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो एकदम बेहतरीन है, लेकिन जो गर्मी है ना वो भी दिल्ली से ज्यादा ही है। रो सीमा, इमोशन दे मुझे, ड्रामा दे मुझे, रो जो देखना है लवनेस पे जाकर देखना। अरे यार, अरे यार।
तुम पे लांछन लगाया गया, लांछन, बहुत ही गंदा लांछन लगाया तुमने मुझ पे। तुम्हारी बचपन की दोस्त चट्टी बड्डी, बचपन का प्यार ने तुमने अपनी बहन पे ऐसा लांछन कैसे लगा दिया। अनुज मंदिर पहुंचा दे। सीधा ही आ जाओ, आगे जंगल वाला रास्ता है। मैं कहा शेर तो नहीं है, कह रहा बस एक मेरे को छोड़ के बाकी नहीं है। फाइनली डीएम निकल गया बाथरूम से और अभी हम जा रहे हैं मातृ मंदिर। और ये जो हम जगह पे आए हैं ना भाई, यहाँ पे थोड़ा तो रिलीफ है क्योंकि एकदम छांव है और आसपास पेड़ है तो हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। बाकी धूप में तो बुरा हाल हो गया था हमारा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्रिप करना बंद करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आने की चॉइस मेरी ही थी। सो और मुझे पता भी था बहुत गर्मी होगी, तो अब मुझे क्रिप नहीं करना चाहिए। सो मैं क्रिप नहीं करूँगा। एक्सपीरियंस बता अपना पौंडीचेरी का। देखो चिलिंग के अगर एक्सप्लोर तो करना यार, छोड़ो ना, एक्सप्लोर क्या करना होता है। बीच पे आना है, बीच पे आओ, चिल मारो, होटल लो, स्विमिंग पूल जाओ, बस यही अपना रूटीन रखो। ये धूप धाप में भैया घुस दें। आई थिंक बेस्ट चीज तो यही है कि अगर आप आ रहे हो, अभी तो लंगूर बनेंगे देखना थोड़ी देर में। अगर आप आ रहे हो और कर सकते हो तो अर्ली मॉर्निंग उठो, बीच पे जाओ, फिर आ जाओ 10 बजे तक वापस, ठीक है। उसके बाद अपने होटल में पड़े रहो, जब शाम हुए फिर दूसरी बीच एक्सप्लोर कर लो। और अगर आप जिंदगी से परेशान हो तब आप एक्सप्लोर कर सकते हो और चीज़ें। बट यहाँ पे ना एक और सीन भी है, वो पता है क्या है कि यहाँ पे मोस्टली चीज़ें ना बंद हो जाती है, जैसे ऑरोविल 4:45 तक बंद हो जाता है। उसके बाद कुछ बीचेज ऐसी हैं जैसे पैराडाइज बीच, वो भी बंद हो जाती है 4 बजे तक। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको धूप में तो आना ही पड़ेगा। गाइस ये है मातृ मंदिर, अभी आपको क्लियरली आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखो मैत्री और सुमात्री। भैया मैं एक्सेंट मार के बोलूंगा, क्या चाह रहा है तेरा? मेरा एक्सेंट मत खराब कर। इट्स मैत्री मंदिर। मैं पौंडीचेरी में आया तो मैं एक्सेंट मारूंगा। ना मैत्री मंदिर। अगर कोई साउथ से ब्लॉग देखता है ना तो प्लीज मुझे ना वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तमिल में, या अगर आप तेलुगु बोलते हो तो वो उसमें बोलना जरूर सिखाना। आप मुझे कुछ पैसे पेटीएम करिए, मेरा दोस्त बहुत ही बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार। रेलवे स्टेशन बना दिया। खुजली की दवाई लेनी है इसकी, वो भी बहुत महंगी होगी। बहुत टैनिंग हो चुकी है। ये देख लो, ये आगरा का ताजमहल समझ के यहाँ पे आया फोटो खिंचवाना। अरे सो गाइज वी हैव फाइनली सीन दी मंदिर एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अंदर जाने को मिलता नहीं है, वो जाने नहीं देते, सो इसीलिए हमने बार बार से देखा। लेकिन बना हुआ बहुत अच्छा है, गोल्ड का पूरा बना हुआ है, एंड आई मीन गोल्ड कलर का बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि असली गोल्ड है कि नहीं, तो मैं फैक्ट्स नहीं दे रहा यहाँ पे। एंड अच्छा लगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग वापस जा रहे हैं, एंड वापस जाके हम लोग चिल करने वाले हैं पूल में। मज़ा आया आपको? क्या मज़ा आया, चल रहे हैं घूम रहे हैं। मोजो को मजा नहीं आया क्योंकि मोजो की पिक्चर्स नहीं देखने थी तूने। ये ले मोजो। यार मोजो में फिर बैटरी नहीं है फोन में, वापस भी जाना है। मोजो का क्या सीन होता है, मोजो पिक्चर्स खिंचवाता है फिर वो देखता है, अगर अच्छी नहीं आती फिर वो फिर से खिंचवाता है। मोजो पहले अपनी फोटो खिंचवा लेगा, फिर मोजो ना मोजो ना दूसरे को पोज देखता है, यार इसका पोज अच्छा है, इसमें भी करवानी है। मतलब अगर लड़की वाला पोज में मोजो उसमें खिंचवा ही लेगा। हमारे ब्लॉग से ज्यादा डेस्टिनेशन जो है ना मोजो की पिक्चर्स पे मिलेंगी। लेकिन मोजो वो पिक्चर्स अपलोड नहीं करता कहीं, वो सिर्फ लड़कियों को भेजता है स्नैपचैट पे। ये देखो बेबी, मैं आज यहाँ घूमा, बेबी आज यहाँ घूमा। उसकी बेबी बनना तो, या उसका बेबा बनना तो इंस्टाग्राम पे से मैसेज करो। सो गाइस हमें वापस जाना था, लेकिन हमें इतना ना चलना नहीं था, हमें फ्री बस सर्विस दिख गई तो हम भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि बस जाने वाली है हमें छोड़ के। मैंने नहीं उठाई यार, तुम सारे वहां पे बैठे थे, मैं तो लास्ट में आऊं ना, तुम मैं वॉशरूम चला। मेरे को तो पता भी नहीं कैसे दिखती है चाबी। मोजो कह रहा है उसने भी नहीं उठाई यार, फिर चुतिया कैसी दिखती, कैसी थी वापस चल, देखने चल, दिखती कैसी थी देखते उस पे भगवान की, वो गोल गोल मोजो के पास है वो पक्का। हां ड्रामे कर रहा है अभी, देख उसके मारूंगा, ये रिकॉर्ड करियो अभी। ठीक है आजा रुक तो जा। अरे रुक तो जा, क्या हुआ, क्या किसके पास ये चाबी?
मेरे पास कहाँ से आई है? मतलब चाबी दे दे। मेरे पास है ही नहीं भाई। झूठ मत बोल। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है भाई। कौन कह रहा है? चाबी दे। मैं क्यों लूंगा भाई, मेरे पास मेरी चाबी है। किसके पास है चाबी? मुक्त। मेरे पास नहीं है। शक्ल से सीवाने राज बदल दिए हैं। तो पंकज ये हरकत तेरी ही हो सकती है। अरे नहीं ब्रो, ऐसी हरकतें करने मैंने छोड़ दी, अरसा हो गया सब करते। कल ही करी है तूने हरकत ब्रो? कल का सॉरी, कल क्या, आज ही तो करी है तूने हरकत। तो भाग के क्यों आए थे? हीरो ने क्यों आ रहे थे? मैं बोल रहा था बदभाग। चाबी दे। तेरी जेब वेब में तो नहीं है? सीरियसली तुम्हारे पास नहीं है क्या? मजाक नहीं कर रहा। ऐसी दिखती थी क्या? सो गाइस फाइनली वापस आ चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। अभी प्लान ये है कि हम लोग नहाएंगे, थोड़ा शावर लेंगे एंड देन जाएंगे स्विमिंग करने। तो मैं व्लॉग शायद यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा व्लॉग करने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।